YouTube के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा सभी को ज्ञात है कि STET का रिजल्ट आपका जल्द ही जारी होने वाला है। ऐसे में आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं और एक बार अपना जो नंबर है उससे इसे ज़रूर मैच करें और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ कि आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। तो आज हम ऑफिशियल कटअप और कुछ विषयों की मेधा सूची देखेंगे और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं और एक आपको अनुमान भी मिल जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि पिछले बार जो मेधा सूची तैयार हुई थी उनमें कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को लिया गया था जिससे कि उनका नियोजन हुआ था। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी अभ्यर्थी नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो का मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए है आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट है और मैं बात करता हूँ अगर हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट में कुल जो पदों की संख्या थी दोस्तों वो थी 3000, ठीक है। और मैं आपको धीरे धीरे करके सभी मेधा सूची दिखा दूँगा, ठीक है। तो आज मैं दो विषयों का मेधा सूची आपको दिखा दूँगा। तो ये है आपका हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट में आप बात करें तो आप देख रहे होंगे जनरल के लिए मैक्सिमम 105 नंबर है और यहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 101 है। BC के लिए 100, EWS के लिए 98, EBC के लिए 92, 88 है आपका SC के लिए और ST के लिए आपका 85 है, ठीक है। और इधर देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा कम है, 81, 82, 89, 96 और 85, ठीक है। इधर हम बात करें तो एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स पे अपने मार्क्स आप ज़रूर बताएं और हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए अधिक से अधिक कैंडिडेट्स का STET में सिलेक्शन हो और आप भावी शिक्षक बने, ठीक है। अच्छा जी, चलिए इसी के अकॉर्डिंग इधर देख लेते हैं हम। सेकेंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए ये है आपका संस्कृत सब्जेक्ट का है और संस्कृत सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए इसका सब्जेक्ट कोड 103 था, जनरल के लिए 110, BC के लिए 105, EWS के लिए 96, EBC के लिए 96, SC के लिए देखिए 85 और देख सकते हैं भाई यहाँ पे ST के लिए है 84। वहीं महिला कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा थोड़ा कम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और इसके ऊपर देखिए एक सब्जेक्ट और है, देखिए ये हमारा साइंस का, ठीक है, साइंस। और इधर है आपका सोशल साइंस और साइंस में देखिए जनरल के लिए अगर हम बात करें तो मेल अभ्यर्थी के लिए 108, वहीं BC के लिए 101, EWS के 97, EBC के लिए 93, SC के लिए 87, ST के लिए 80, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें हम 99 सोशल साइंस में, साइंस में देखिए, और BC के लिए 94 है, EWS के लिए 90, EBC के लिए 86 और SC के लिए 87 और ST के लिए 98 है। इधर देखिए मेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल, BC, EWS, EBC, SC, ST सभी के लिए दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपका कट ऑफ है, ठीक है, और एक बार देख के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ये है सोशल साइंस और ये है आपका साइंस का, ठीक है। अच्छा जी, इसके रिगार्डिंग हमने बात की आपका जो अगर इस नंबर के इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कहें सेफ हैं भाई, ठीक है। और नीचे था हमारा उर्दू सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, देखिए ये है आपका उर्दू का है ये, ठीक है। देखिए मेल फीमेल जनरल के लिए BC, EWS, EBC, SC, ST और इधर देखिए मेल है और इधर देखिए आपका फीमेल कैंडिडेट्स, कैसे कैसे नंबर स्कोर किए गए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेल के लिए 110, BC 105, EWS 101, EBC 98, SC 89, ST 86, इधर देखिए 80, 86, 92, 97, 100 और 103, ठीक है। तो ये तो थे हमारे उर्दू कैंडिडेट्स, यानी कि जिन लोगों ने उर्दू में ये परीक्षा दी थी ये था उनके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही और एक्यूरेट ये रखा गया है कट ऑफ।
ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि भाई कितने नंबर आपने स्कोर किया है। इससे बाहर देखिए कहीं भी आपका कटअप नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, एक सर्वे करने के बाद हमने ये जो कटअप है ये तैयार कर रखा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं हम मैथ का भी देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, जब देखिए इंग्लिश में कुल पदों की संख्या हम कहें तो 5054 पद थे, सब्जेक्ट कोड आपका 105, और मैथ में देखिए मैथ में भी 5054 ही पद हैं टोटल। इसमें जनरल के लिए 105, बीसी के लिए 98, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, ईबीसी के लिए 92, एससी के लिए 85, एसटी के लिए 80। फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो वो भी आप दे सकते हैं, जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए आप दे सकते हैं। यहाँ पे मेल 115, तो फीमेल देखिए 108, 105 आपका मेल तो फीमेल देखिए, 100 आपका मेल, 98 देखिए फीमेल, वहीं देखिए 95 आपका मेल है ईबीसी के लिए। ठीक है, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और जनरल। ठीक है, देखिए, और वहाँ हम एससी की बात करें तो 88 है, और एसटी की बात करें तो 85 है। तो इस तरीके से ये है मैथ के लिए। ठीक है, अब एक झलक हम वो भी देख लेते हैं कि टोटल जो पद थे वो कितने थे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, साइंस टोटल, और टोटल आप दे सकते हैं कुल यहाँ पे 25,270। ये पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो ये टोटल पोस्ट थे। वैसे तो आवेदन लगभग लगभग 1,00,000 स्टूडेंट्स इसमें अपियरिंग हुए हैं, और इसमें से 50,000 से 60,000 अभ्यर्थियों के एक सर्वे के बाद, एक जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बाद ही हमने ये पूरा का पूरा कटअप जारी किया है। इधर पेपर सेकंड में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और टोटल देखें तो पोस्ट देखें 2,125, 2,104, 2,384, 2,221 और 723, 835, 1,653, 12,065। तो ये आपने देखा कि भाई इस प्रकार के जो पद हैं ये टोटल देखिए 12,065 ये है और 25,270 ये है। तो अधिकतम इसमें है, इसमें थोड़ा सा कम है। बहाली में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि भाई 35,000 पदों में से केवल 10,000 पद ही इस बार शिक्षक बहाली में भरे जा रहे हैं। उसके बाद 15,000 लगभग आपके पद खाली हैं, जो कि इस एसटीटी में जो भी अभ्यर्थी हमारे पास होंगे उनके द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, वहीं देखिए ये 2011-12 10 प्लस 2 की अगर हम बात करें तो एक मेधा सूची का लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर कि कितने कितने नंबर पे अभ्यर्थियों को लिए गए हैं। इससे आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। बीसी जनरल, बीसी कैंडिडेट्स का है ये, इसमें उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जिनका कि नियोजन भी हुआ है, 98, 108, 105, 99, 104, 100, 102, 112, 114, 109, 95, 89, 102, 79, 101, 95। इस प्रकार से देखिए इन कैंडिडेट्स का जो है, इस तरीके से इन लोगों ने नंबर अपने स्कोर किए हैं। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें अनुभव हो जाता है और थोड़ा सा पता लग जाता है कि किस प्रकार से आपका जो है वो बनाया गया है यहाँ पे स्कोर, मतलब कह सकते हैं किस तरीके से ये स्कोर जो है वो तैयार किया गया है। इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा ये समझने में कि नियोजन के लिए आपको कितने जो हैं, मतलब कितने परसेंट के अंतर्गत आपको आना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स नाम देखिए इधर, रेनू, बबीता वर्मा, राम सिंह, इधर कैंडिडेट्स के नाम हैं, और इधर देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कितने कितने परसेंटेज इनका बना हुआ है। वैसे तो देखिए जो नियोजन होता है उसमें आपका एसटीटी का बहुत ही कम नंबर जुड़ता है केवल। ठीक है, तो ये फिजिक्स का था और मेरे पास मैथ का भी है, उसकी झलक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर ये है मैथमेटिक का, और इसमें कैसे कैसे नंबर स्कोर किए गए हैं। इधर ये, इससे आपका अनुमान जो है वो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए थोड़ा सा ये इसके भीतर आ नहीं रहा है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो नियोजन जिन कैंडिडेट्स का हुआ है उसमें आपका नंबर का स्कोर देख लीजिए, क्या कैसे कैसे नंबर जो हैं वो आए हुए हैं कैंडिडेट्स के, इन पे जो है अभ्यर्थियों का जो है वो नियोजन हुआ है। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, और ये हैं वो कैंडिडेट्स जिन जो नंबर लाए हैं
90, 105, 88, 85, 87 कैटेगरी वाइज देखिए और इनका नियोजन हुआ है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।